सुल्तानपुर में बोलेरो ट्रक की टक्कर हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की कोटा से, जहां पर सुल्तानपुर में बोलेरो और ट्रक की टक्कर हादसे में बोलेरो सवार 5 लोगों की मौत हो गई है। उम्मीदपुरा पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ है। सभी मृतक शोपुर के मदनपुरा के निवासी बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की कोटा के सुल्तानपुर से बोलेरो और ट्रक की टक्कर से हादसे में बोलेरो सवार 5 लोगों की मौत। उम्मीदपुरा पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ है और सभी मृतक शोपुर के मदनपुरा के निवासी बताए जा रहे हैं। हादसे में बोलेरो सवार 5 लोगों की जान चली गई है। उम्मीदपुरा पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ है जिसमें एक ट्रक और बोलेरो आपस में टकरा गए। हादसे में 5 लोग जो बोलेरो सवार, उनकी जान चली गई है। कोटा के सुल्तानपुर का पूरा मामला है जहां यह हादसा हुआ, बोलेरो और ट्रक की टक्कर। हादसे में बोलेरो सवार 5 लोगों की जान चली गई। उम्मीदपुरा पेट्रोल पंप के पास यह हादसा बताया जा रहा है। सभी मृतक शोपुर के मदनपुरा के निवासी हैं। हिमांशु मित्तल जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, कैसे हुआ हादसा? देखिए, ये ट्रक और बोलेरो कार की जो टक्कर है वो हुई है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर में ये रोड एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ा सड़क हादसा यहाँ पर पेश आया। आपको बता दें कि बोलेरो में कुल 11 लोग थे जो सवार थे, और ये शोपुर मध्य प्रदेश में मदनपुरा है, वहां के ये सभी लोग थे जो जा रहे थे। और इस दौरान जो ट्रक और बोलेरो कार के बीच में टक्कर हुई जिसमें ये दुखद हादसा पेश आया। बताया जा रहा है कि अंधेरे का वक्त था और ट्रक की जो रफ्तार है वो भी तेज थी। बोलेरो भी अनियंत्रित होकर के टकरा गई। आमने सामने की टक्कर थी और ये बड़ी जो भिड़ंत के बाद में इस घटनाक्रम में 5 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि सबका जो पोस्टमार्टम है वो CST सुल्तानपुर पर करवाया जा रहा है। वहीं एक गंभीर घायल को कोटा लाया गया इलाज के लिए, लेकिन इलाज के दौरान उस शख्स की भी मौत हो गई। दिगोद के उम्मीदपुरा पेट्रोल पंप के पास का एक पूरा घटनाक्रम है। फिलहाल जो सुल्तानपुर पुलिस है वो इस पूरे मामले में अपनी जांच को जांच पूरे मामले की फिलहाल की जा रही है पुलिस की तरफ से। मानसु, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए।